Students, this year has been a great year for Dudley College. We have won many debates, competitions,
and tournament. It gives me immense pleasure to announce this year's annual function. हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा। इस साल के एनुअल फंक्शन का थीम है म्यूजिकल लैला मजनू। लेकिन इस साल सिर्फ 5 जोड़ियां चुनी जाएंगी और विनर को मिलेगा वही कॉलेज का मशहूर जोड़ी मेडल। मिस ब्रिगेंसा, may I request you to announce the jurors, please? Naughty boy. Miss Braganza, you may proceed with the announcement. Sure. Pehli jodi hai, number 3 and number 11. Jodi number 2, number 5 and number 42. तीसरी जोड़ी है नंबर 7 एंड नंबर 15। जोड़ी नंबर 4, नंबर 25 एंड नंबर 31। Finally, jodi number 5, jodi number 12 and number 21. So cute, Dad. And with this, भैया, मालकिन को नौकर मिल गया। अरे ये तो क्या साथ जोड़ी है, चक्रवर्ती के साथ। Girls and boys, that's final. मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करेंगे। Got 5 days with you. All the best. सॉरी मैडम, इत्तेफाक से मेरा नंबर आपके साथ आ गया। अगर आप मेरे साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहती हैं तो ठीक है, आप किसी और के साथ बना सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन आप अपसेट मत होइए। अपसेट होना तो हम जैसे लोगों के नसीब में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस नौकर को बदल दो, लेकिन मेरी बात है कि तुम सुनती ही नहीं। तुम्हें तो ये अनपढ़ नौकर पसंद है। अरे आजकल एजेंसी में प्रोफेशनल नौकर भी मिल जाते हैं। अब खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो, साफ करो इसको। रणवीर, बच्चों का कसूर है, तुम मन्नू को क्यों डांट रहे हो? बिल्कुल अपने बाप पे गया। मत बोलो बेटा, तुम्हारे बाप भी एक जमाने में नौकर थे। माँ, आप ये बीच में फैमिली हिस्ट्री लेकर क्यों आती हैं? काजल जी। पापा। बेटे ही चुपके से आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। यहाँ आइए। ये क्या छुपा रही हैं आप? क्या सोचती हैं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? जी वो आप बताएंगी या हम बताएं? ओ
ओले ले 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 ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था पगली। आप लोगों को कुछ खबर है? हमारी बेटी काजल को जोड़ी मेडल कंपटीशन के लिए चुना गया है। हाँ। अच्छा, देखना एक बार फिर से इस घर में जोड़ी मेडल आएगा और वो लेकर आएगी हमारी बेटी काजल। बेटे, आपके चाचा जी के अलावा इस परिवार में आज तक कोई भी जोड़ी मेडल लेकर नहीं आया। हमने भी कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। क्यों सीमा? ये भी तो बताइए कि नाकाम क्यों रहे। हाँ तो बेटा, आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? चुप बेटा, इधर आ जा, इधर इधर बैठ। मेरी काजल तो जरूर जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है इस पे। ये वाला नहीं हुआ यार मुझसे, प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे रवि, हाँ तू ही स्टेप बता देना यार। मेरे से क्या पूछता है? अरे मिस ब्रिगेंजा से पूछना, क्या मस्त आइटम है रे। अबे रुको रुको रुको, देख नहीं रहे हो? महारानी जी पधार रही है। ए बबन, ए ये ए क्या बच्चा, दूर रह देख। अरे आज वो नौकर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है रणवीर की गाड़ी साफ कर रहा हूँ। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ गाइस? मैडम, एक्चुअली वी आर रेसिंग फॉर द शो। ओह रियली? या, यस मैम, यस मैम। मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या रिहर्सल्स हो रही हैं। नो मैम। नाउ ऑफ टू योर क्लासेस, कम ऑन फास्ट। ओके मैम। जी मैम। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? ए हीरो, आज कॉलेज नहीं गया क्या? क्यों, तुझे मतलब? नहीं, शाहरुख खान की नई फिल्म लगी है, कभी हीरो और कभी जीरो। क्या हो रहा है? सेठ, आज आपको बड़ी टिप देनी पड़ेगी, आज अपना हीरो फिल्म देखने जा रहा है मेरे साथ। एक मिनट। क्या बात है, आज हमारे हीरो का मूड नहीं है क्या? कुछ नहीं बाबा, आज सर को ज्यादा ही दुख रहा है। तो बेटा तू रेस्ट करना, मैं संभाल लूंगा सब। I'm fine. मैं ठीक हूं। अरे बबलू, पिंटो इधर आओ। हां हां जी जी, जल्दी आओ। जी जी, मैं जरा जा रहा हूं, तुम संभाल लेना। जी जी, चल आ बेटा, आ जा। जी जी। ए पिंटो, हां अंदर आ। आया आया। हां यहां पे आ, एक स्पेशल पैक बना। ओके जा, आ बैठ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा। तू तो झूठ भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता बेटा। 5 साल का था जब मेरे पास आया था, झूठ तो तब भी नहीं बोल पाया था। खैर, तेरे प्रिंसिपल साहब आए थे, कॉलेज के किसी जोड़ी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। शायद ये भी बताया होगा कि किस तरह से कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते। क्यों बाबा, ऐसा क्यों होता है? क्या चाहिए ना मेरे लोगों को जो हम जैसे लोगों पर हंसते हैं? सेटिस्फेक्शन बेटा, जो उनके पास नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उन पर पड़ती है ना बेटा, तो खुदा को याद करते फिरते हैं। पर तू तो मेरा हीरो है, इन छोटी छोटी बातों से घबरा मत बेटा। सुना है तेरी चूड़ी बहुत प्यारी है। क्या बाबा, वो तो मुझे लिफ्ट भी नहीं देती। मेरे जीतना तो दूर की बात है। वो कहती है ना बेटा, जस्ट चिल चिल, फिर आएगा दिल दिल। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा।
मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। और बेटा तुम्हारी रिहर्सल तो सब ठीक ठाक है ना? जी पापा। और बेटा अगर कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़े ना तो यू कैन आस्क योर मामा। रणवीर आजकल के कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग होते हैं। मुझे मालूम है यार, लेकिन हमारी बेटी की कॉस्ट्यूम सबसे अलग होनी चाहिए, क्यों बेटा काजल? जी पापा। We have the front row seats, remember? हाँ। Bye. Bye. Bye बेटा। Take care बेटा। Bye. रणवीर क्यों परेशान करते हो बेचारी को? She will be fine. You are making her nervous. मुझे मालूम है मैं थोड़ा strict हूँ, but I love her dearly. मेरी ऊपर वाले से एक ही विनती है कि मेरी बच्ची की जिंदगी में कभी कोई रुकावट ना आए। So, one, two, and three. मैंने कहा था ना? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद I'll have to move. Okay. See, come closer and turn. All right. Cool guys. Cool, huh? लो आ गई मालकिन। मालकिन जी आ गई। कहिए मालकिन जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी मैं राजा को ढूंढ रही हूँ। राजा? जी होगा वही, पकोड़े बना रहा होगा। क्या करे बेचारा, आप ही पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता उसे। हाँ हाँ, उड़ाइए हंसी, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा किसका पकोड़ा बनता है। चलो काजल, ऐसे मेंटल लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे ओ घसीटे, मुझे पता है कितना दम है तेरे उस जैजी में। बात करती है। कोई बात नहीं यार। अरे बस कर, लेके जाएगा क्या अभी? क्यों जाती हूँ उन लोगों के पास? हाँ? You know, they don't have anything nice to say. मैं राजा को ढूंढ रही थी यार। काजल, you have to be serious. सिर्फ एक दिन बचा है। I know यार, but I can't find राजा। Okay, चल। हेलो काजल। हाय रोमी, तुमने राजा को देखा क्या? राजा को क्यों ढूंढ लिए, मैं हूँ ना। रोमी मैं राजा को ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा उसको? नहीं मैंने उसको नहीं देखा। छोड़ना इसे। कादल ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। पागल है, छोड़। He's cute. Sir, आपने राजा को देखा क्या? No, you can check in the library. लाइब्रेरी में देखें क्या? चलो लाइब्रेरी में देखते हैं। Have you seen Raja? He's tall and... No, sorry. Oh, यहाँ भी नहीं है। क्या करें? कहाँ ढूँढें? तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। Man, what's up? Catch. मोती सेठ का ढाबा? Yep, वो इसी ढाबे में काम करता है। ढाबा और मैं? No way. हाँ? अंकिता यू नो आई कांट गो, मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। बट काजल, योर फादर इज सो हाइप्ड अप अबाउट दिस कंपटीशन, योर होल फैमिली इज बिहाइंड यू। क्या मैन, काश मेरी फैमिली वाले भी ऐसे होते। एक आइडिया है, यू कैन बंक द नेक्स्ट टू लेक्चर्स। या ग्रेट, जेजी एंड आई विल कवर अप फॉर यू। सो सिंपल। डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा। But just be back before your khusar driver comes, huh? Hey, देख के चलना। Sorry. क्या बात है बेटा? आज नजरें घड़ी पर ज्यादा ही हैं। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे। कुछ तो है। मैडम क्या चाहिए आपको? एक स्पेशल पैक दीजिए प्लीज। ओके। ए हीरो, जरा काम पे भी ध्यान दे। हाँ, टेबल नंबर 2 का स्पेशल पैक का ऑर्डर है। ए क्या साला, मुझे ऑर्डर देता है?
ए राजा प्लीज ऑर्डर दे देना यार, मैं जरा दो मिनट करके आता हूँ। ओके ये लीजिए आपका स्पेशल पैक। काजल तुम यहाँ? ए क्या हुआ? कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? हाँ कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ पता है? सिर्फ एक दिन बचा है, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? He is so hyped up about the competition. राजा प्लीज मेरे साथ चलो ना। क्या बात है बेटा? अरे सब ठीक तो है। बाबा ये काजल, काजल ये मेरे बाबा। जी नमस्ते। काजल, काजल मेरी जोड़ी पार्टनर। अच्छा काजल। अंकल आप प्लीज राजा को समझाइए ना, सिर्फ एक ही दिन बचा है, हमें किसी भी तरह जोड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे अपने पापा को खुश करना है। बेटा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। राजा चल तू निकल, निकल। बाबा टाइम रिहर्सल, टाइम रिहर्सल सब ठीक हो जाएगा, तू निकल ले, चल मैं सब संभाल लूंगा। ओ चल अब, खुदा पे भरोसा रख, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
आजा बैठ बेटा। हाय आशु। हाय। बैठ 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 बैठ। कैसा है तू? बढ़िया हूँ यार। यार आशु। हाँ बोल ना। मुझे यार तेरे से कुछ काम था। हाँ बोल। वो अपना अमन है ना? हाँ हाँ। यार वो ड्रग्स के चक्कर में कॉलेज से बाहर हो गया है। प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया है। अच्छा अच्छा हाँ पता है पता है। और जो अपनी डॉली है ना? अच्छा वही जो डांस कॉम। यस 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 वही वही। यार वो बहुत रो रही है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा तू भी अच्छा डांसर है ना? नहीं नहीं नहीं। अरे यार बात समझने की कोशिश कर यार। साला ये अपने ग्रुप की इज्जत का सवाल है बे। यानी कि बप्पन की इज्जत का सवाल है। क्या बात कर रहे? अगर तू इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया ना कसम से अपन को कोई भी नहीं हरा सकता है। तेरी इज्जत का सवाल है तो अपन कुछ भी करेगा यार। अब देख देख उस साले राजा की कैसे फाड़ते हैं हम लोग। चल डॉली। अरे यार इधर देखो तो सही।
कम ऑन यार, ये है तुम्हारा नया डांस पार्टनर आशु। मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन यार अमन चला गया तो हम कर भी क्या सकते हैं? यार तुम्हें पता है ना ये कंपटीशन हमारे लिए जीतना कितना जरूरी हो गया है, और हमारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। हाय अमासु। चाहो तो अजमा भी सकती। You want to see my moves? हाँ हाँ यार दिखाना। देखो ना अनादा। या या अब देखना ये कंपटीशन हम कैसे जीतते हैं। थैंक्स यार। थैंक्स। चलें। चल बैग उठा चल। यस। बेटे काजल। जी पापा। और बेटा आपकी रिहर्सल कैसी चल रही है? वेरी गुड पापा। तो जोड़ी मेडल इज नॉट फार। आई विल डू माय बेस्ट। दैट्स लाइक माय गर्ल। देखो बेटा अगर तुम जीत भी नहीं सके ना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी तरह जीतने की तमन्ना तो है। थैंक यू पापा। बाय द वे हाउ इज योर एनर्जी लेवल? डॉक्टर जोसेफ को बुला लें। पापा आई एम फाइन। पक्का? अच्छा तो कल शाम को मिलते हैं। बट रिमेम्बर वी हैव द फ्रंट रो सीट्स। टेक केयर। थैंक यू पापा। हारो न बस तुम हौसला, प्यार मेरा मासूम है समझा करो जरा। मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए ही रात दिन, कर लो तुम मेरा यकीन हम दम जरा। मेरे दिल की दुआ ना हो जुदा, मेरी जान मेरी जान। राजा उठो, कॉन्सर्ट शुरू होने में सिर्फ एक घंटा रह गया, कम ऑन जल्दी। शिट। चलो जल्दी चलो दे चलो। Hello, girls and guys. Are you ready for this fun-filled evening? Yes! आप सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हर साल ये एनुअल जोड़ी कंपटीशन होता है, जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी अपनी जोड़ी के साथ म्यूजिक के ऊपर 10 दिन 15 दिन की तैयारियां करके इस इरादे से आते हैं। हर जोड़ी का ये विश्वास होता है they are the only one who are going to win, and believe me this evening is going to be a fantastic fun filled evening. What do you say? Let's enjoy this evening. Okay, suno kya hai bhai? Acha sahi hai ha, maza aa raha na sala, is baar to hum hi log jeetenge. Let's kill aur haarega koi aur me. Zara mil ke aa ja. क्या हुआ, नौकर साथ नहीं आया? काजल अब भी वक्त है हा?
जोड़ी बदल ले। चाहे तो मैं तेरा साथ दे सकता हूँ और ये मेडल अपना ही होगा। ये लो। ओ, ये तो मारेगा रे। टार्जन है वे। छोड़ना यार। अच्छा सुन, नर्वस है तो ना स्टेज पर? डोंट वरी, हो जाएगा। बट यू श्योर ना? तू भी ना। हाँ माँ। हाँ। क्या? पापा आईसीयू में? और तुम मुझे अब बता रही हो? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ, तुरंत पहुंचता हूँ। ए बबन, क्या हुआ? यार मेरे पापा आईसीयू में। ओह शिट। और मुझे इस वक्त ही निकलना पड़ेगा। यार मगर वो, लेकिन यार इस कंपटीशन को तुम ही लोग जिताओगे, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अब मैं निकलता हूँ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मेरी बात। अरे देख इसे। आइए इस शाम का हम शानदार स्वागत करते हैं जोड़ी नंबर 1 से, सपना और सलीम। तुम्हारे कारण लेट हुए, अगर तुम टाइम पर उठ जाते तो हम लेट ना होते। बाबा आग लग गई थी। बाबा बोलो ना जल्दी करने। बाबा अरे भाई जल्दी कर ड्राइवर। आइए अब हम दूसरी जोड़ी का स्वागत करते हैं, अंकिता एंड रवि। जल्दी कर। कहाँ से आ गया यार ये? ए, ए, क्या हुआ? चल आगे ले।
आगे ले, जल्दी ले, जल्दी ले, चलो 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 चलो, 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 चलो। अब आपके सामने जो परफॉर्म करने आ रहे हैं अपने हिप हॉप के साथ वो हैं जेजी एंड पल्लवी। सीना मेरा होता 32 का 62, जाए चाप मेरी बाजू में 62, दिल उछलता है बल्ली ओ लैला जब तू कहे मुझे प्यार से छेला। हे मुझे प्यार से छेला मजनू मेरे तू सबसे जुदा है मेरा ये दिल बस तुझ पे फिदा है प्यार तेरा बस मेरी इबादत और तू मेरे दिल का खुदा है। हो गया हो गया हो गया लव हो गया खो गया खो गया खो गया दिल खो गया। पिछले साल की वही मशहूर जोड़ी आशु एंड डॉली। अब जो इस फंक्शन की आखिरी जोड़ी पेश होने जा रही है वो है राजा एंड काजल। All the best. Ooh. Boo. काजल अभी लेकिन राजा है कहाँ? अरे नहीं आया है। By the way, काजल I mean काजल by the way अकेले ही? अरे अच्छा अरे अकेले ही? हेलो राजा कहाँ है यार तू? अरे यार मैं बाहर हूँ यार, दरवाजा लॉक है यार। हाँ मैं एक मिनट में आया। अरे जल्दी आ यार। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ। हाँ।
खोल। अरे खोल यार। कहाँ यार, लेट हो गया। चल चल। राजू तुम कहाँ हो? प्लीज राजा, मेरे पास आओ ना। मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही हूं। प्लीज राजा, प्लीज आओ ना। वरना आज तुम्हारे दिल की मालकिन किसी की नौकरानी बन जाएगी। प्लीज राजा, प्लीज आओ ना। प्यार मेरा मासूम है, समझा करो जरा। मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए ही रात दिन, कर लो तुम मेरा यकीन हम दम जरा। मेरे दिल की दुआ ना हो जुदा, मेरी जान मेरी जान। Fantastic. Thank you. Good job. Good job. Thank you. Very well done. Thank you. Better luck next time. Thank you, sir. Great. Keep it up. You made us proud. Well done. Better luck next time. Keep it up. God bless you. Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Very well done. Good job. Well done.
जो पल साथ तेरे छेड़े मुझे वो लम्हे दिखता नहीं है कोई सहारा जाऊं कहां मैं बिन तेरे यारा पाऊं मैं कैसे प्यार तेरा रास्ता दिखा दे मेरे खुदा बोला मेरे हाजी मेरे मौला बोला मेरे हाजी मेरे मौला तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है तन्हा तन्हा जीना तेरी याद पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है अरे बेटा काजल आप अभी तक तैयार नहीं हुए फार्म हाउस नहीं चलना है क्या नहीं पापा आई एम टायर्ड आप लोग जाइए सुबह से जगा रही हूँ होश ही नहीं है इसको प्लीज पापा आई एम रियली टायर्ड ओके बाबा एज यू विश बट मेक श्योर हाँ यू गेट सम रेस्ट और वो डॉक्टर जोसेफ को याद से बुला लेना हाँ उनका फोन आया था ओके पापा अपना ख्याल रखना बेटे धीरे से आराम से ओके बाय बेटा अच्छा बाय टेक केयर बेटा बाय 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 दादी बाय दीदी बाय किरण बाय अभी बेटी काजल जी क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ वो मेरा बेटा अपनी अस्थमा की दवाइयां भूल गया है बस मैं यूं गया और यूं आया अच्छा जाइए पर कितनी देर लगेगी मोती सेठ का ढाबा मीम साहब बस 20 मिनट का रास्ता है मोती सेठ का ढाबा हाँ सुना है वहाँ पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं तो मेरे लिए एक स्पेशल पैक लेकर आइएगा जी बेटी मालिक डोंट वरी पापा को पता नहीं चलेगा तो फिर ठीक है बेटी चलता हूँ अच्छा ए हीरो तू तो असली का हीरो बन गया रे तेरी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है ये देख पेज नंबर 15 पर राजा है एंड काजल बिन द पॉपुलर जोड़ी मेरी बेटा जरा सुनना मैं बबलू का पिता हूँ ये उसे देने आया हूँ वो बबलू कहाँ है उधर है अरे बापू आप यहाँ पर बेटा तुम दवाएं भूल गए थे ना इसलिए अरे बापू इसमें दवा नहीं खाली बोतलें अच्छा तो कोई बात नहीं एक काम करो जल्दी से एक स्पेशल पैक बनवा दो ठीक है जल्दी कर
ओके ये लो, साहब को पता नहीं है। हाँ जल्दी करो। ओ हीरो एक स्पेशल बैग बना दो, बापू को ले जाना है। अच्छा स्पेशल बैग, और तेरे बाबूजी? हाँ इनकी मेम साहब को चाहिए। मेम साहब? हाँ रणबीर सिंह है ना, उसकी बेटी के लिए। हाँ बेटा। तो काजल की बात कर रहे? अब सोच क्या रहा है, बनाना? हाँ बना दो। अब कैसा है तू? बस मैं अच्छा हूँ। ठीक है ना? हाँ। दवा वक्त पे खाता है ना? हाँ बाबू। हाँ दवा नहीं छोड़ना बेटा। हाँ जल्दी ठीक हो जा हैं? हाँ। और खूब पढ़ लिख कर खूब। ये लीजिए। धन्यवाद। अच्छा बेटा चलो। दुम 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 डांस कर रहे हो भैया? ए चल काम पे लग, काम पे लग। बेटी काजल, काजल बेटे ये लो तुम्हारा स्पेशल पैक। ठीक है जी। From the principal, teachers, students, and their family members for their famous Leela Majnu performance. The principal, अरे बाप रे खाचा, क्या हुआ भैया को? अरे हुआ बाबू, क्या हुआ? उठाओ, हुआ उठाओ, जल्दी उठाओ। हाँ चलो। पिंटो उठा आराम से, संभाल के भैया। क्या हुआ मेरी बेटी को? आराम से। हाँ शाबाश। यहाँ यहाँ बिठा दो। ओके सेठ मैं चलता हूँ। ठीक है राजा, चल डॉक्टर को दिखा लेती है। नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, सुबह मैंने मिल्कशेक भी लिया था, लगता है दूर ठीक नहीं था। तो क्या जरूरत थी मिल्कशेक पीने की, लस्सी पी लेता? लस्सी भी तो उसी दूध का बनता है ना। अच्छा फिर भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ बाबा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी तो कोई सुनता नहीं। मिला दे रब्बा यार से मिला दे, मिला दे रब्बा प्यार से मिला दे, मेरी चाहतों का तू यूं न इम्तिहान ले, दूर रहने की मुझको यूं न तू सजा दे, ऐसा न हो ये जुदाई मेरी जान ले ले। बेटी काजल देख तो कौन आया है। सब ठीक है बेटा जी? मैंने तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की। करते हैं यार कुछ जी। हाँ भाई तू बहुत बोलती है। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। चुप काजल, सही लिख के आदि पापा को भूल गए। पापा हम कुछ भी नहीं, बैठो।
मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाय दादी। हाय, ये मेरी प्यारी बच्ची। हेलो। चिंता लगी रहती है, एक बार इसकी शादी हो जाए तो मैं सुख से हो जाऊं। मॉम काम करो यार। हाय बेटा, दोनों सीधे रूम में जाएंगे। होमवर्क किया तुमने? बिल्कुल नहीं हुआ है। आराम से। इसने नहीं किया? इसने तो किया। तुमने किया होमवर्क? हाँ, मैंने तो किया है। मैंने तो इसे कहा था। ये रहा मेरा जोड़ी मेडल। इट्स नाइस। और इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? उनके पास। ये उनके कौन है? राजा। इज ही क्यूट? पापा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, पता ना, डू यू मिस हिम? मैं अपने खुदा से रोज तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ए, तुम मेरे होने वाले शोहर के बारे में नहीं पूछोगी? What? कब? कैसे? अबू के दोस्त का बेटा है। And he's from Australia. Wow, परदेसी बाबू। Is he cute? Yeah, of course. 2 महीने में आ रहे हैं वो निकाह करने। उसके बाद मैं परदेस चली जाऊंगी। पर चाहे कुछ भी हो, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। बात की थी उससे मैंने। तुम फिकर काजल, काम हो जाएगा। जाइना बेटी, नीचे आओ। तो वो मेरे पर छोड़ दो, मैं सब संभाल। अब चलता हूँ रणवीर जी। संभल के था। चल बेटा, ईद पे जरूर आइएगा। अब हाँ कर दो। इस बार तो यार मैं माफी चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा रणवीर जी। लेकिन हाँ, अगली बार मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। पक्का पक्का। बेटी, आपके पिताजी तो धोखेबाज निकले। अफजल भाई, आपको तो मालूम है कि मेरी यूएस में कॉन्फ्रेंस है। ठीक है ठीक है, लेकिन बेटी आप जरूर आना। आपके बिना हमारी ईद अधूरी रहेगी। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। अच्छा रणवीर भाई, इजाजत दीजिए। इजाजत। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बेटा। चले बेटा। बाय बाय। आसिमा, अफजल भाई मेरे साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब बात यह है कि उन्होंने मुझसे कह दिया, या तो मैं ईद मुबारक भैया। ईद मुबारक आयशा। बाहर सब ईद मना रहे हैं और आप यहाँ? चलो रहमत चाचा ने बुलाया है और कोई काजल दीदी भी आई हैं। क्या भैया, चलो ना। अब जाओ, मैं आता हूँ।
जा कहीं से पास जरा, सांसों की लड़ी भी थमने लगी है, तेरी कमी अब खलने लगी है, साथ निभाने की खाई थी कसमें, एक दूजे का रहना है बनके। बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला। जो पल साथ तेरे छेड़े मुझे वो लम्हे, दिखता नहीं है कोई सहारा, जाऊं कहां मैं बिन तेरे यारा, पाऊं मैं कैसे प्यार तेरा, रास्ता दिखा दे मेरे खुदा। बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने तेरी याद आती है। बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला। बैठिए बैठिए बैठिए। राजा आपका बेटा है? जी नहीं, इतना सा था जब से पाला, बेटा ही समझिए। देखिए, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। जी डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। देखिए, राजा को ब्रेन ट्यूमर है। देखिए, आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसका इलाज हो सकता है, और राजा के इस केस में तो अभी बहुत चांसेस हैं। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे, हर तरह से इस चीज को करेंगे, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसके चांसेस बहुत बहुत ब्राइट हैं। होती सेट, आर यू ऑलराइट? आप सुन रहे हैं ना? ये लीजिए। Oh,
चले बेटा। कितना वक्त है मेरे पास? अगर सर्जरी की गई तो इसे लंबा किया जा सकता है। बाबा, बाबा मैं जीना चाहता हूँ बाबा। इस आधे को पूरा करना चाहता हूँ बाबा। बाबा बराबर बेटा, तेरे पास बहुत पैसा है, तू चिंता मत कर। लाया हूं, ईद मुबारक। भैया तुम रो क्यों रहे हो? चुप पंगली। काजल, why don't you ring him? At least पता तो चले राजा को क्या हुआ है। हे, तुम उससे कुछ छिपा रही है ना? You miss him ना? Heaps यार। तशरीफ लाइए। बेटा काजल, आपके प्रिंसिपल साहब आए हैं, नीचे आइए। आइए सर, तशरीफ रखिए। थैंक यू रणवीर जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये काजल के लिए है, जोड़ी मेडल कंपटीशन के स्पॉन्सर की तरफ से, इस साल के विनर को मिला है। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो, डबल ट्रबल साथ में? सर प्लीज बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं जल्दी में हूँ, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। एंजॉय योरसेल्फ। नमस्ते। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? डिनर इनविटेशन फॉर जोड़ी मेडल विनर काजल सिंह। व्हाट? ये वाह, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। थैंक यू पापा। अरे भाई, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे शोर नहीं मचाएंगे तो और क्या करेंगे। हमारी काजल को जोड़ी मेडल स्पॉन्सर की तरफ से डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। सच? काश काश ये मौका मुझे मिला होता। पापा आप भी साथ में चलिए ना। नहीं बेटा, ये आपके लिए है, आप जाइए। अरे बेटा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। एंजॉय योर सेल्फ, जा। थैंक यू पापा। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ये लीजिए बेटा। ये देखो दादी। अरे वाह।
आज तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है बाबा, बस जरा सा सर दर्द है। आज मैंने तेरा फेवरेट स्पेशल पैक बनाया है अपने हाथों से, ले थोड़ा सा खा ले। अरे ये क्या कर रहा राजा? देख अगर तू इसी तरह से रोता रहा ना तो मैं भी। बेटा एक तू ही तो है जो मेरा सहारा है, तू चिंता ना कर बेटा, मैंने न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट ले ली है, देखना अब तू जल्दी अच्छा हो जाएगा। अरे बातों बातों में तो बेटा मैं भूल ही गया, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब आए थे, ये स्पेशल इनविटेशन दे के गए हैं। उन्होंने कहा है ये स्पेशल इनविटेशन इस साल सिर्फ जोड़ी मेडल विनर्स को ही दिया जा रहा है। देख और सुन, काजल भी आएगी वहां पर। ये तारे कितने हसीन हैं ना राजा। वो दिख रहा है वो तारा, वो देखो ना। पर इन तारों को संवारता कौन है? ये सब तारे एक अटूट बंधन में बंधे हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स। Thank you. Thanks for the coffee. उस दिन अचानक तुम्हें क्या हो गया था? मोती अंकल तुम्हें कहाँ ले गए थे? कुछ नहीं, मोती सेठ कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए थे मेरी उल्टियों की वजह से। एक्सपायर्ड दूध का जो मिल्कशेक पी लिया था। Thank God, I was so worried. आपने कुछ कहा? नहीं। मुझे अब जाना होगा। Yeah, sure. Thanks for the evening. Bye. Bye. Thank you.
मोती सेठ, एक मिनट। वी हैव टू स्टार्ट इस ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज उसे हम खो सकते हैं। आप यहां पे साइन कर दीजिए। जी, साइन? हाँ। कहाँ? यहां पर। डॉक्टर साहब, आपसे एक गुजारिश है। हाँ हाँ बोलिए ना। राजा के कुछ दोस्त इस सदमे के बारे में नहीं जानते, प्लीज आप इसे कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यू डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। काजल बेटी। जी दादी। बेटी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लेना बेटी। दादी मुझे भूख नहीं है। क्या नाम है उस लड़के का? राजा। गाता तो बहुत अच्छा है। घबरा मत बेटी, वो ठीक हो जाएगा। दादी। हाँ बेटी। अगर मैं राजा को देखने जाऊं तो क्या पापा मुझसे नाराज होंगे? पता नहीं बेटी, इतना मैं जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे पापा को उसकी इज्जत बहुत ही प्यारी है। पर बेटी तू ही तो उसकी इज्जत है। क्या हुआ है राजा को? हे मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना। Hi, I'm Priya. I will be looking after you at treatment with Dr. Trivedi. Good. 80/120. Open your mouth. It's very good. 36.5. और हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी आपकी ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं. So we have to go. चलिए। ओके, आराम से। संभल के। मिस्टर राजा, कम इन। कैसे हो? देखो बेटा, तुम्हारे सर के अंदर एक एग्रेसिव किस्म का ट्यूमर है, सो सर्जरी एट दिस स्टेज इज वेरी रिस्की। इसलिए हमें पहले क्यूमियोथेरेपी से उस ट्यूमर को श्रिंक करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी।
एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। गुड लक और वेलकम। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्रिया इज हेयर टू हेल्प यू। प्रिया टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। बाय राजा। चलते हैं राजा, पहले हम लोग नाश्ता करेंगे फिर लॉन में घूमने चलेंगे। अरे काजल बेटा तुम यहां आओ बेटो। जी वो मैं हॉस्पिटल गई थी राजा से मिलने, डॉक्टर ने कहा कि वो। बेटा राजा बिल्कुल ठीक है, दरअसल वो पुणे गया हुआ है। मैं एक नया ढाबा खोल रहा हूँ ना, उसका सेटअप देखने के लिए वहाँ गया हुआ है। पर कब तक आएगा? 13 तारीख को वो यहाँ होगा, 14 तारीख को यहाँ वैलेंटाइन्स डे पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और सारा बंदोबस्त राजा ही देख रहा है। तुम भी जरूर आना बेटा। जी और उसकी तबीयत कैसी है अब? वो बिल्कुल मस्त है, दरअसल थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया था और कोई खास बात नहीं। थैंक गॉड, मैं तो परेशान ही हो गई थी। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। बाय। बाय। Come on यार, हम लोग पहले से ही लेट हो गए, जल्दी कर। राजा वही होगा, समझी? अंकिता हाँ वो देखो मोती अंकल हॉस्पिटल, लगता है राजा को लेने जा रहे हैं। CWM ड्राइवर उन्हें फॉलो करो, डोंट मिस हिम। काजल तू बहुत ही खुशनसीब है, काश मैं भी यार। ड्राइवर जल्दी करो उसे फॉलो करो। बैठ, मैं उसे देख के आती हूँ। ठीक है। सुभान सुशील बस्ता
राजा? हाय, आई एम अंकिता। हाँ बोलिए। ये राजा, आई एम हिज कॉलेज फ्रेंड। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इसे क्या बोलूं? That idiot is not there. क्या? अंकिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राजा यहीं कहीं है? I can feel him. काजल, वो यहाँ नहीं है. तो फिर मोती अंकल किसे देखने गए? बबलू को. चलो ड्राइवर. सुबह है मेरी
प्यारी तब से मांगा तुम्हें है मैंने रब से जो तू
हेलो मिस्टर मोती, डॉक्टर त्रिवेदी है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। राजा का कीमो ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी उतना असर नहीं हुआ, इसलिए हमें सेकेंड ऑप्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप कुछ भी करके मेरे राजा को बचा लीजिए, इस दुनिया में उसके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो वो खुदा की नेमत है। डॉक्टर साहब प्लीज उसे बचा लीजिए। मिस्टर मोदी आप परेशान मत होइए, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। इंग्लैंड से एक नए न्यूरोसर्जन आए हुए हैं, उम्मीद की किरण शायद उन्हीं के हाथों में हो। आप हौसला रखिए। जी शुक्रिया डॉक्टर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जूली जी सर, राजा की फाइनल रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ। प्लीज सेंड मी। या अल्लाह मेरे मौला, मेरी दुआ कबूल कर, मेरे राजा की जिंदगी बख्श दे मेरे मौला, बख्श दे। से झूठ क्यों कहा? प्लीज अंकल बताइए, मैं राजा से मिलना चाहती हूं, उसे देखना चाहती हूं। प्लीज अंकल, आपको राजा की कसम, कहाँ है राजा, क्या हुआ है उसे? बेटा राजा इस वक्त जिंदगी के बहुत नाजुक मोड़ पर है, वो नहीं चाहता कि तू उसकी वजह से दुखी हो। अगर तू से मिली और जब न कर पाई तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी मेरी बच्ची, और वो आने वाले मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बच्ची कुछ दिन और सब्र कर। क्या हुआ है राजा को? उसे ब्रेन ट्यूमर है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता अंकल। मार्च करने से तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। दो दिन से बच्ची अपने बेडरूम से नहीं बाहर आई है, ना किसी से बात करती है, ना ठीक तरह कुछ बोलती है। उसे जरा बात करना बेटा, वो मेरी प्यारी बच्ची है। क्या माँ आप समझती नहीं हैं? अरे अक्सर रेड रोज प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है,
मुझे तो चिंता सिर्फ इस बात की है कि दामाद होगा कौन। मुझे तो लगता है कि वो राजा ही है। क्यों माँ? मुझे क्या पता, वो तेरी बेटी है, मैं तो उसकी दादी हूँ। ठीक है, देखता हूँ। क्या पूछूँ माँ? अरे पगले, वो तेरी लाडली है, जरा प्यार से पूछना बेटा। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। बेटा काजल, काजल, बेटा काजल, कैसे हो बेटा? ए, काजल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ए काजल, क्या हुआ? पापा राजा को ब्रेन ट्यूमर है, मुझे राजा के पास ले चलो पापा, प्लीज। रोमन, मैं लेकर चलूंगा अपनी बेटी को, अच्छा राजा के पास लेकर चलूंगा। काजल डोंट वरी, यहाँ बेटा हम चलेंगे, राजा के पास चलेंगे। रोमन, मैं लेकर चलूंगा। हाँ बेटा, नहीं रोते बेटा। काजल, ए काजल, ए काजल, बेटा बेटा सुन, मेरी बात सुन बेटा। ए काजल, काजल, ए काजल, ए काजल, मेरा बच्चा, ए काजल, ए ए सीमा। काजल के सिम्टम से साफ जाहिर हो गया है कि शी विल हैव मोर फ्रीक्वेंट अटैक्स। किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई थिंक वी शुड गेट हर इन टू द हॉस्पिटल नाउ। पिछले 3 महीने से वो चेकअप के लिए भी नहीं आई है। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर साहब, वो कॉलेज के चक्कर में थोड़ा बिजी थी, बट पिछले 2 महीने से शी वॉज रियली एंजॉइंग हरसेल्फ, सो आई थॉट लेट हर एंजॉय। मिस्टर रणबीर, देखिए वो दिल की मरीज है, इट्स अ सीरियस मैटर, उसे रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। यू हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मैं पूरी तैयारी करके रखता हूं, आई विल सी यू टुमारो। जी कल। आई मे टेक अ लीव नाउ, कल मिलते। ओके, थैंक यू। ए भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करता, उसे जल्द से जल्द अच्छा कर दे भगवान, जल्द से जल्द अच्छा कर दे। बीते जो पल साथ तेरे, छेड़े मुझे वो लम्हे, दिखता नहीं है कोई सहारा, जाऊं कहां मैं बिन तेरे यारा, पाऊं मैं कैसे प्यार तेरा, रास्ता दिखा दे मेरे खुदा। बोला मेरे हाजी मेरे मौला, बोला मेरे हाजी मेरे मौला, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है।
मिला दे रब्बा, यार से मिला दे, मिला दे रब्बा, प्यार से मिला दे, मेरी चाहतों का तू यूं न इम्तिहाने, दूर रहने की मुझको यूं न तू सजा दे, ऐसा न हो ये जुदाई मेरी जान ले ले। बेटा मैं तेरी ख्वाहिशों के खिलाफ कभी नहीं रहा, मैंने हमेशा तेरे हर फैसले की कदर की है। हाँ, इस मुद्दे को लेकर थोड़ा खुदगर्ज हो गया था बाबू ना, इसके लिए अपने इस बाप को माफ कर दे बेटी। और मैंने राजा का पता लगा लिया है बेटी, हम सबसे पहले राजा से मिलेंगे और उसके बाद डॉक्टर जोसेफ के पास चलेंगे, ठीक है? अरे पगली, अपनी नासों को राजा के लिए बचा के रख, सब बहा देगी बेटी, तेरे आंसू हम सब के लिए बहुत कीमती है। चलो चलते हैं। What is it? ऑपरेशन बहुत कठिन था, इसलिए काफी खून बह चुका है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, चार पांच घंटे बाद ही कुछ कह सकते। हमारे हाथ में जितना हमने किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। होश में आने पर शायद कुछ नस में गड़बड़ हो, जिसकी वजह से हाथ या पैर पूरी तरह से काम ना करें, या फिर आंख या याददाश्त में भी कुछ फर्क आ सकता है। बस यही कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। दैट्स ओके, होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं, मैं शाम को वापस आपसे मिलता हूं। जी ये मेरी पत्नी सीमा। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी माता जी काजल की दादी। नमस्ते। और ये तो हम सब की प्यारी और आपकी लाडली काजल। मैंने अपने अल्लाह से इतनी दुआएं की है बेटा कि उसके दरबार में हमारी काजल और राजा जैसे लोगों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहे। मुझे अपने परवरदिगार आलम पर पूरा भरोसा है, वो मेरी फरियाद जरूर कबूल करेगा।
आई एम सॉरी बेटा, मुझे राजा ने मना कर दिया था, वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, भरोसा रखिए, जिंदगी के वो हसीन लम्हे बस इतनी सी दूर है। देखो कौन है, मैं हूं तुम्हारी काजल, देखो आंखें खोलो ना प्लीज। अरे पगले, तुम्हारी मालकिन आई है, ये देखो तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार समेट कर लाई हूं। ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ खुद ही डिसीजन ले लिया। Stupid, I waited for you. क्यों नहीं आए तुम? क्यों? मैं भी पागल हूं, जाने क्यों बोल नहीं पाई। राजा बहुत बहुत दर्द होता है यहाँ, अब मेरी सांसों की लड़ी तुम्हारी हो चुकी है राजा। यू माय वैलेंटाइन, आई लव यू। Thank you.
राजा। बस तेरा चेहरा बसा है अब मेरी इन आँखों में, यादों में हो तुम ही शामिल, तुम हो मेरी बातों में, दूंगा तुम्हें नई मैं दुनिया, चाहूंगा मैं तुम्हें तो सदियाँ। सुबह है मेरी तब से मांगा तुम्हें है मैंने रब से, ओ तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों से तेरी याद आती है, है।
तुझे प्यार मेरा, आजा कहीं से पास जरा, सांसों की लड़ी भी थमने लगी।